ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਨਦਰ ਸੰਗਤ ਹੈਲਥ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਹੈਲਥ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅੱਖ ਬਾਰੇ ਹਨਾ ਅੱਖ ਆਖ ਦਿਸਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂ نو ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤਰਨ ਸ਼ਰਮਾ who is a consultant ophthalmic surgeon in wooster ਹੀ ਆਲਸੋ ਦ ਲੀਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਥੇਰ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਸ ਬੀਨ ਰਨਿੰਗ ਗਲੋਕੋਮਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਹੈਸ ਵਨ ਮੈਨੀ ਮੈਨੀ ਅਵਾਰਡਸ ਇਨ ਅਨੂਮਿਲੇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਆ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਪੀ ਸੈਂਟਰ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਆਕਸਫੋਰਡ ਲੰਡਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਤਰਨ ਤਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਟੂ ਕਮ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਆਰ ਸ਼ੋਅ ਹਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਰ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਮੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਡਰਾਈ ਆਇਜ਼ ਆਂਖ ਮੇ ਖੁਜਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਰਕ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮੋਤੀਆ ਕੈਟਰਾਕਟ ਹਨਾ ਮੇਰੇ ਲੈਂਸ ਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪਹਿਲੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਆਂਖ ਕੀ ਖੁਜਲੀ ड्राई आई रर्क पैनी ये क्यों होंगी देखिए आँख की जो खुजली और या सूखापन आँख के अंदर आ जाता है वो डिफरेंट जो जहाँ पे कोई इंडिया में रह रहा है उसके कारण अलग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं उनके कारण अलग हैं और अमेरिका और कनाडा के कारण अलग थोड़े से अलग होंगे जो अगर यहाँ की बात करें पहले इंग्लैंड के अंदर बात करें तो करीबन सत्तर प्रतिशत लोगों को आँखों की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ आँख की सरफेस ऑकुलर सरफेस कहते हैं जो सुपरफिशियल जो इसका लुब्रिकेशन है आँख का लुब्रिकेशन वो ठीक नहीं होता उसकी वजह से उनको लगता है कि थोड़ी रड़क आ रही है या उनको ड्राइनेस है तो यहाँ का कारण सबसे खास ये है इंडिया और पाकिस्तान और पंजाब के अंदर जो होगा वो अधिकतर धूल मिट्टी धूल मिट्टी से एलर्जी और इतने सारे पोल्यूटेंट हैं उनके कारण उसके साथ साथ जो यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ पर भी होती हैं चूँकि से तो वहाँ की प्रॉब्लमों के अंदर वो ज़्यादा ख़ास तौर पे तकलीफ़ देती हैं लेकिन इलाज जो है दोनों का वो लगभग सिमिलर सा ही है तो इलाज जो है हमें सबसे पहले ख्याल रखना है कि हमने कहा कि जो ड्राइनेस लगती है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आँख का पानी सूख गया है पानी तो आता है लेकिन पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है जैसे अगर आप आ, कार वॉश कराते हो ठीक है खुद कार वॉश कर रहे हो लेकिन उसके ऊपर वैक्स ना लगवाओ तो उसके अंदर आपको फिर से थोड़ा सा स्क्रीन पे लगेगा क्योंकि कुछ गड़बड़ आ रही है तो जो आँखों का जो पानी है जो टीयर्स हैं उसके अंदर सत्तानवे से अट्ठानवे परसेंट तो लगभग सारा पानी है बाकी एक परसेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और जो सबसे खास है उसके अंदर आता है एक तरीका का तेल ठीक है ऑयल दैट ऑयल जो है वो जो तेल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो जो तेल है वो उसको टीयर फिल्म को फिल्म की तरह रखता है जिस तो हम जो आँख पलक पलक झपकाते हैं उसका पर्पज़ होता है कि हम अपनी टीयर फिल्म को रिप्लेनिश कर लें उसको दोबारा से नई स्ट्रोंग बना लें जिससे कि वो आँख को प्रोटेक्ट करके रखे हमारा पहला डिफेंस ये टीयर फिल्म है तो जो तेल है अगर इसका प्रोडक्शन खराब हो जाए तो बेसिकली जो तेल है वो उस टीयर फिल्म को सरफेस टेंशन प्रोवाइड कर रहा है इस वजह से अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो टूट रही है टीयर फिल्म इसीलिए जो तेल जैसे आपने देखा कुछ तेल हैं सर्दियों के अंदर वो आ, सेमी सॉलिड हो जाते हैं जैसे घी बन जाता है ठीक है जो बिल्कुल अन ऑयल है वो बिल्कुल so तेल ये, के तरफ so जब आम पेशेंट्स जो आते हैं जो घर में बैठे हैं हमारे दर्शक उनको क्या सिम्टम्स क्या हो रहे हैं उनको क्या लगेगा कि हमको जब उनको ड्राई आई है वॉट विल बी घर में बैठ के उनको क्या महसूस हो रहा है हम जो ड्राई आई अधिकतर कारण से जो मैं कह रहा था कि ब्लेफ्राइटिस या इसको माइबोमाइटिस कहते हैं या पोस्टर ब्लेफ्राइटिस कहते हैं कि उसका जो तेल का जो कंपोजिशन है वो खराब हो जाता है उसको करने के लिए बहुत ही सिंपल सबसे सस्ता सुंदर और टिकाऊ जो इलाज है वो होगा कि आप इसकी गर्म पानी से सिकाई करें उबलता हुआ गर्म पानी नहीं लेकिन गुनगुने से गर्म लेकिन उबलता ना हो आप एक या तो हैंकर चीप ले लें ले, रुमाल ले लें या कॉटन वूल ले लें ले, या बेसिकली गर्म पानी करें उसको पाँच मिनट के लिए छोड़ दें उंगली ऐसे डालें कि बस उंगली डल पाए ठीक है कि भाई हाँ गर्म है अब डाल सकता हूँ उसमें फिर रुई डाली उसको स्क्वीज करा और दोनों आँखों के ऊपर आँख बंद करने के बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा लगा के सिक्काई करा एकदम फ़ौरन आप उसको जो है टिका नहीं पाएंगे आपको थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन करीबन एक मिनट के बाद आपको लगेगा तो ठंडा हो गया लेकिन आपके पास गर्म पानी है दोबारा डालो और दोबारा लगाओ ऐसा अगर आप दस मिनट तक करें और दिन में दो दफ़े करें एक महीने के बाद आपको बहुत इंप्रूवमेंट पता लगेगा अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अधिकतर लोग छोटा रास्ता लेते हैं अरे यार मेरे को तकलीफ़ हो रही है तो मैं आर्टिफिशियल टीयर आते हैं मार्केट में वो ख़रीद लेता हूं और वो डालता हूं वो आपको सिमटोमेटिक वायदा तो देते हैं फौरन लेकिन एक दो घंटे बाद आपकी हालत वहीं आ जाती है क्योंकि आप जो उसका रूट कॉज है जो मेन कारण है उसको ठीक नहीं कर रहे हैं अगर आप लेके उसकी सिकाई करें और उसका आप रूट कॉज की जो ग्लैंड्स हैं जो प्रोड्यूस कर रही हैं उस खराब ऑयल को उसको अगर आप इम्प्रूव कर दें तो आपके ड्राइनेस के सिम्टम्स काफ़ी से ठहरे तो ये इनकी इनकी जो डॉक्टर शर्मा जी ने बताया है ये आप घर बैठ के खुद कर सकते हैं तुमको कोई भी स्पेशलिस्ट की लोड़ नहीं है जाने की लोड़ नहीं है घर में बैठ के ये जो सेक का इन्होंने दसा है मार्केट में कई चीज़ें मिल जाती हैं जो कहते हैं कि जाके माइक्रोवेव में डाल दो वो हीट पैड हो जाते हैं उनको डाल दो वो इन्होंने जो दसा है इसके साथ सिर्फ आपका पानी चाहिए घर का उसको गर्म किया जो मेकअप के रिमूवल के पैड होते हैं या कॉटन गोल बैठे हो गए हैं उनको यूज़ करो और सेक दो सो so, ये बहुत वधिया नुस्खा है जो घर में आप अपना इलाज खुद कर सकते हो ड्राई आई का ना ड्राई आई का जो ये मसला है ये आम आता कब है जब न्याने होते हैं जब जब चालीस से ऊपर हो जाते हैं कब आता है कि क्यों आता है देखिए अधिकतर जो अब आजकल तो यहाँ पर यूके के अंदर तो 20-25 साल की उम्र पे भी आने लगा है लेकिन ट्रेडिशनली अधिकतर लेडीज़ को हार्मोनल चेंजेस होने के बाद एट द टाइम ऑफ मैनोपॉज या उसके बाद ज़्यादा बढ़ जाती है तकलीफ लेकिन ये किसी को भी हो सकता है जो कि आँख की सफाई ढंग से नहीं कर रहा मेरे घर मेरे को पता है मेरे बच बेटे को जो कि अभी तेईस साल का ही था उसको भी हो जाता है उससे उसको बाद में सिस्ट बन जाती हैं बेसिकली आँख की सफाई ढंग से नहीं कर पा रहे हैं है। आँख के केयर ढंग से नहीं कर पा रहे हैं और केयर इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट यूके और कनाडा और अमेरिका में एनवायरमेंट ठंडा है तो आपका जो तेल है वो सेमी सॉलिड हो जाता है उससे फ्लो ठीक नहीं होता फ्लो ठीक नहीं होता तो और इन्फेक्शन बढ़ता है और वो बस विशेष साइकिल है दूसरी चीज़ ये भी बतानी है ना कि जो गेम्स हैं हमारे लैपटॉप्स हैं जो हम स्क्रीन का ज़्यादा काम करते हैं वहाँ बैठ के हम ऐसे करे जाते हैं कि ये ये ना कि जो स्क्रीन है ना देखते हैं ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਝਪਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖ ਨੂੰ ਝਪਕਣਾ ਆ ਆਂਕ ਝਪਕਣਾ ਆ ਆਂਕ ਆਖ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 15 ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖੇ ਵਿੱਚ ਮਿਚਣੀ ਪਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਆ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਥ ਡਰਾਈ ਆਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ देखो कॉन्टैक्ट लेंस अगर आप बार बार पहन रहे हैं लगातार पहन रहे हैं तो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी आंख में वैसे तो होनी नहीं थी और वो लिड को क्रॉनिकली लगातार आपको हिट कर रही है उसकी वजह से कॉन्टैक्ट लेंस रिलेटेड चेंजेस होते हैं औकुलर सर आँख की सरफेस के ऊपर और उससे ड्राईनेस लॉन्गर टर्म से आ जाती है लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक कॉन्टैक्ट लेंस रिलेटेड इन्फेक्शन होते हैं उसकी तो अभी बात कर नहीं रहे वो अलग ही बात है लेकिन हाँ कॉन्टेक्ट लेंस भी लगातार ज़्यादा पहनने से आपको ड्राइनेस आ जाती है आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो स्क्रीन टाइम है हर आधे घंटे के बाद कम से कम आपको पांच मिनट का ब्रेक लेना चाहिए ऐसे देख के देखते जुकि... देखते रहना है है ना स्क्रीन को फिर काम पे हाँ, पूरा दिन थक जाता बंदा थक जाता है आंख भी थक जाती है आंख भी थक जाती है और दूसरी चीज आंख की हाइजीन आई हाइजीन के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो है जो कि मैंने अपने इंग्लिश के अंदर अपने पेशेंट्स के लिए बनाया था हम कोशिश करेंगे इसे पंजाबी में बनाए शेयर करेंगे हाँ फिर आप फिर शेयर करांगे क्योंकि इन्होंने जो कम्यूनिटी के लिए अखाँ बारे ਅ ਵੁਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਨੈਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤਰਨ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ 3600 ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਡ੍ਰੌਪ इज बेस्ट ड्रॉप द बेस्ट ड्रॉप ये है कि जब आपको ड्रॉप की जरूरत ना हाँ. और की हो और ड्रॉप की जरूरत नहीं होगी अगर आप ऐसे सिकाई करते हैं आँख की लेकिन अगर लेनी ही है तो एक्चुअली डिफरेंट ड्रॉप्स के अंदर कोई खास फर्क नहीं है फॉर्मुलेशन में पैकेजिंग का फर्क है आपको ढाबे में भी वही खाना मिलता है फाइव स्टार में भी वही खाना मिलता है बल्कि फाइव स्टार में शायद उतना स्वाद नहीं मिलता ढाबे में भी अच्छा मिल जाता है तो इनकी कीमत में ना जाए हाँ. और कोशिश तो ये करें कि आपको जरूरत ही ना पड़े अब यहाँ के ऊपर डिफरेंट ड्रॉप्स आ रहे हैं उसके अंदर अब मैं प्रिजर्वेटिव एक अपनी अलग में कहानी है कि हाँ। वो जो लोग ड्रॉप्स रेगुलरली ग्लॉकमा के लिए ड्रॉप्स डालते हैं किसी और कारण से आंख में दवाई डालते हैं उसका प्रजर्वेटिव प्रेजर्वेटिव बेसिकली डायलूटेड टॉयलेट क्लीनर है तो अब अगर आप डायलूशन के अंदर जब वो कीड़ों को मार रहा है तो आपकी आंख को भी तकलीफ देगा ही तो जो भी आंख में ड्रॉप डालते हैं और जो लगातार पाँच दस साल से डाल रहे हैं उनको ड्राइनेस के सिम्टम्स होने के चांस बड़े रहते हैं इसलिए उन लोगों को बेहतर रहेगा कि अगर प्रिजर्वेटिव फ्री डालें लेकिन प्रिजर्वेटिव फ्री जैसे ही डालते हैं इंडिया और पाकिस्तान के अंदर वो और महंगा हो, हो जा महंगा हो जाए सो डॉक्टर शर्मा थोड़ा जि यह समझ दसो कि जिदा ये अख न छिटा देंगे दे पानी दंडिया दे देव भी मैं देखिए सा बुजुर्ग भी करते रहे हैं कि मोनी द्ठ के अख न छिट्टा दो ये तो थोड़ा जहाँ मसला खराब है या ठीक है नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम मेरे को नज़र नहीं आती उसका कारण है बेसिकली आप जो भी आप वो छीटे कब देते हैं बाहर से आते हैं हाथ मुँह धोते हैं उसमें जो भी धूल मिट्टी आँख के अंदर आई है और उसको अगर आप आँख को धोते हैं इंडिया पाकिस्तान में ज़्यादा लागू होता इस बात का तो आप जो है जो भी पॉलिटेंट गए हैं उनको आप डाइल्यूट कर रहे हो साफ कर रहे हो उससे फिर जो एलर्जिक रिएक्शन होंगी उस उस इंडिया पाकिस्तान में बड़ा आराम मिलता है आँखों को चिट्टा दो आंखों को लेकिन वहाँ पर भी जो दूसरी ब्लेफ्राइटिस वाली पीछे दूसरी वाली प्रॉब्लम है वो अगर आ रही है तो फिर गर्म पानी की सिकाई बेहतर रहेगी लेकिन इंडिया में जब इतनी गर्मी होती है तब वहाँ पर इतना खेल नहीं होता मई जून के कमरे टाइम में आँखों के अंदर गर्म पानी की सिंचाई की उतनी ज़रूरत नहीं होगी जितनी जनवरी में होगी लेकिन आपने जो बोला छीटे का वो बेसिकली जो भी टॉक्सिक एलिमेंट्स गए हैं एनवायरमेंट से आपकी टीयर फिल्म में वो वॉश वा, वा, हो जाते हैं सर ये बहुत अच्छी बात कही क्योंकि हमें कई बार पूछ आंखों को छिट्टा देना चाहिए जो नहीं देना चाहिए तो आपने आंसर कर दी कि ये जो पिछले दौर में कर दे थे वो ता करते थे क्योंकि वो डस्ट है जो भी है उसको थोड़ा थोड़ा सा वो कम हो जाए वो आजकल इंडिया और पाकिस्तान में अभी भी उतना ही लागू होगा क्योंकि वहां पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा पर इंग्लैंड में जो कर रहे हैं कोई लोड नहीं है कोई को इंग्लैंड के अंदर उतनी जरूरत नहीं है इंग्लैंड के अंदर तो सर्दी ज्यादा होती

वो उतनी ताकतवर नहीं रही है वो उतना ज़्यादा मूव नहीं कर पाता तो चालीस की उम्र के बाद हर एक किसी की मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं तो वो पास का दिखना बंद हो जाता है और उसके बाद जब मोतिया है जो लेंस है वो धीरे धीरे थिक होने लगता है और बाद में उसमें सफ़ेदी भी आने लगती है वो फिर आपकी नज़र को धीरे धीरे कम करने लगता है मज़े अच्छी बात यह है कि इसको हम रिवर्स कर सकते हैं ऑपरेशन से बदल सकते हैं और आपकी नज़र वैसी बढ़िया हो सकती है सफ़ेद मोती के बाद ये हमने जब पहले जब काले मोती की बात करी थी काले मोती में ऐसा नहीं होता काले मोती में जो गया वो दोबारा नहीं आता तो सफ़ेद मोतिया बेसिकली आपका लेंस भी बूढ़ा हो रहा है आपकी तरह और अब उसे नए बदलने जैसे आप नया नी जॉइंट लगवा रहे हैं नया हिप जॉइंट लगवा रहे हैं आपको नया लेंस की जरूरत पड़ती है लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे को लगती है वो ऐसा नहीं कि आपको तो कोई तकलीफ थी नहीं आप ऑप्टिशियन के पास गए ऑप्टिशियन ने कहा आपको कैट्रैक्ट आप ऑपरेशन कराओ आप परेशान हो जाओ अगर आपकी जिंदगी में जो आप करना चाहते हैं जो आपके टास्क हैं जो आपको चाहिए आपको ड्राइविंग करने में तकलीफ आ रही है तो तो आपको कराना पड़ेगा आपको पढ़ने लिखने में तकलीफ आ रही है तो कराना पड़ेगा लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो कोई कुछ भी कहता रहे फिर आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है अगर वो कैटरैक्ट कैट्रेक इंड्यूस ग्लाकोमा नहीं कर रहा कैटरक कई बार काला मोतिया भी कर देता है अगर वो नहीं हो रहा नहीं। या अगर आपको एंगल क्लोजर नहीं कर रहा तो आपको कैट्रक का ऑपरेशन तभी कराना है जब आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी पे असर पड़ रहा है इनको नोट ये करने वाले क्योंकि इंडिया में हमने पहले भी बात की है कि इंडिया में जो क्लोज एंगल ग्लोकोमा होता है ना वो ज़्यादा होता है कि उसके साथ ये होता है कि मोतिया वो नुकसान दे रहा है आँख को ग्लोकोमा कोस कर रहा है तो वहाँ कईयों का जो कैटरैक्ट निकालते हैं उसका काम चलता है है ना कैटरैक को वो पहले ही निकाल देते हैं अच्छा है ना तो उसके साथ हमें ए, ए, किस टाइम सो उन्होंने ग्लोकोमा की ट्रीटमेंट के लिए भी कैटरैक्ट का ऑपरेशन करना पड़ता पर आम जड़ी कैटरैक्ट की गल आ वो ये है कि जब जैसे डॉक्टर शर्मा जी ने बताया है जैसे बुढ़ा आदमी हो रहा है सफेद बाल आ रहे हैं वैसे ही आपका जो लेंस है वो भी थोड़ा सा सख्त हो जाता है वो वो भी थोड़ा सा चिट्टा होने लगता है तो उसके साथ वो दिसनी घट जाती है वो एक तरफ दी लाइट है वो अंदर नहीं जा रही ना है ना सो ओदा जहा दसो फिर वो की जहाँ हम अपने बैठे है घरे उन्होंने पता कि मैं लगेगा कि साढ़े को मोतिया आ गया या नहीं अगर उसके अंदर जो कैटरक्ट जो सफा मोतिया आ रहा है उसके अंदर धीरे धीरे दूर की नज़र कम होनी शुरू होती है यूजुअली का अधिकतर तौर पे अगर आपको कम नज़र आ रहा है आपको स्क्विंट करना पड़ रहा है इसका मतलब या तो आपको चश्मे की जरूरत है या आपको मोती आ रहा है तो अगेन सोल्यूशन वही है कि आप अपने ऑप्टिशियन के पास जाए उसको दिखाएं अगर चश्मे का नंबर बदल गया तो चश्मे का नंबर बदलवाएं बार बार नंबर अगर बदला जा रहा है इसका मतलब भी हो सकता है कि आपको मोती आ रहा है तब फिर आप ऑपरेशन कराने का सोच सकते हैं ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल यदि मोस्ट पीपल दर्दे या कॉस्ट वाले ਉਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਹਨਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੋਤੀਏ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਰਦਾਨੀ ਦਿਸਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾਨੀ ਦਿਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਟਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕਨ ਚ ਕਰਨ ਜਾ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀਪੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਟਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 옵ਟੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ મોતਿਆ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਚਸ਼ਮਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜੁ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਏ ਸਾਡਾ મોતਿਆ ਹਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਂਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ ਇਹਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ चौंधा नहीं हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई हम यही कह रहे हैं कि अवेयरनेस देना चाहते हैं संगत को कि आप कैसे इसको देखें कि आपको ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए देखिए मैंने जैसे बताया कि अगर आपके ऑपरेशन ने बताया कि आपको कैटरक्ट है और आपको कैटरक्ट ऑपरेशन कराना चाहिए जरूरी नहीं है उससे ये सवाल भी पूछ सकते हो कि क्या ये कैटरक्ट मेरे आंख को नुकसान पहुंचा रहा है क्या मेरे प्रेशर को बढ़ा रहा है अगर वो नहीं बात तो अगर आपको नज़र साफ़ आ रहा है आपके काम ठीक चल रहे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं कि ऑपरेशन कराना हो ठीक है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर भी आते हैं यार आपको कैटरेक्ट है मेरे को तो ऑपरेशन ने बताया था कि मुझे कैटरेक्ट इसलिए में आ गया उस समय ज़रूरत नहीं है जब मैं अपनी आँख में कोई भी ऑपरेशन नहीं कराऊंगा अगर मेरे को कोई तकलीफ नहीं है अंग्रेजी में कहा जाता है डोंट ट्राई टू फिक्स समथिंग विच इज़ नॉट ब्रोकन अगर कोई चीज़ टूटी नहीं है उसको फिक्स क्यों कर रहे हो अगर आपको तकलीफ है ही नहीं आपका काम बढ़िया चल रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आपको ऑपरेशन कराना हो लेकिन हाँ एक दो चीज़ है जैसे हम पहले भी बात आ चुके हैं कि कई बार कैटरक काला मोती कर सकता है अगर वैसी हालात आ रहे हैं तब जरूर करा लेना चाहिए जब लेकिन आप ठीक है आपका चश्मा से काम ठीक चल रहा है आपको कोई सिर में दर्द नहीं हो रहा कोई तकलीफें नहीं हो रही और इतने एक गोहोर गल आ गई है वो कहें कि अस लेंस पा दे मेरे मैं चश्मा नहीं पहनना देना चाहूँगा मेरे मेरे लेंस पा दे मैं चश्मा नहीं पहनना चाहूँगा जहाँ अपनियाँ जड़ियाँ लेडीज हो भी कि असी चश्मा नहीं चाहते हूँ फिर वह दसो थो थोड़ा जो तो असली बात यह कि जब जिनको भी मोतियाँ होता है हम कैट्रैक का ऑपरेशन करते हैं तो अभी तक सिर्फ एक लेंस डालते थे जिससे दूर का दिखता था अब ऐसे लेंस आ गए हैं जो कि दूर का भी दिखता है और पास का भी दिखता है और हिंदुस्तान में ख़ासतौर तो पर बात है वो कहते हैं कि बढ़िया वाला लेंस हलवाओगे तो वो एक लाख का और बेकार वाला मतलब स्टैंडर्ड लगाओगे तो तीस हज़ार का तो लोगों को लगता नहीं मेरी आँखें है मैं तो बढ़िया वाला डलवाऊँगा बढ़िया वाला डलवाने के भी फायदे हैं ऐसी एक बात नहीं है लेकिन कई लोगों को उसके अंदर ग्लेयर भी होता है और ये सारी बात डिटेल में कोई बताते नहीं है तो अगर आपको चाहिए कि दूर का भी देखे और पास का भी देखे और चश्मा भी नहीं लगाना तो वो अगर दोनों आँखों का ऑपरेशन हो रहा है वो ऐसे भी पॉसिबल है लेकिन हाँ लेंस डलवा भी सकते हैं आजकल देखिए डेल्स टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है पिछले 20 सालों के अंदर कम से कम 200 तरह के नए तरीके के मल्टीफोकल लेंसेज आए हैं अब अगर 20 साल में इतने सारे नए आए हैं इसका मतलब हमें पूरा आंसर अभी मिला नहीं है उसका हाँ। लेकिन हाँ पहले से डेफिनेटली बेटर है तो जैसे आपने कहा ना कि लेंस की बात यह है मोनोफोकल भी है मल्टीफोकल भी है कई कहें ट्राईफोकल भी कह देते मेन चीज यह वो मल्टीफोकल में आ जाता है प्रीमियम लेंस सिंपल लेंस ये भी बातें चलती हैं पर मेन चीज डॉक्टर शर्मा जी हमारे साथ ये शेयर कर रहे हैं कि पहले तू डिस्क टू थानू लोड केड़ी गल दी है जे थानू कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी देन देन सोडे सोडे काम होई जांदे आ तू सी आदा काम चली जाओ जे चश्मे दे नाल ठीक हुंदी है गल ते चश्मा लगा लो क्योंकि चश्मे दे नाल जेड़े ऑपरेशन आ हुन थोड़ा जे सानू ये भी दस दो ऑपरेशन दे रिस्क की हुंदे आ क्योंकि सारे कहंदे कि ऑपरेशन दे कोई रिस्क ही नहीं होन कर दंदे आ चटपट दस ऑपरेशन कैटरेक्ट ऑपरेशन दे रिस्क की है मेन तो कैटरेक्ट ऑपरेशन आँख का ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी के सारे ऑपरेशन में सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन है लेकिन उसके अंदर भी एक परसेंट सौ में से एक इंसान को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है इस दो सौ में से एक इंसान को एक दूसरा ऑपरेशन कराना पड़ सकता है और हज़ार में से तीन इंसान जो है अंधे हो सकते हैं तो कोई भी चीज़ बिल्कुल भी रिस्क वाली नहीं है ऐसा कभी नहीं होता और जो ऐसा नहीं बिल्कुल अंधे तो नहीं है लेकिन पहले से खराब हो सकती है वो करीबन सौ में से एक की होती है लेकिन इस मतलब इस चीज को ख्याल रखें इसीलिए आपको अच्छे सर्जन से कराना चाहिए और आ, आ, ये रिस्क असेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती यह अगर आपको पहले तकलीफ ही नहीं है तो आप कोई भी ऑपरेशन कराओगे तो आपका रिस्क हाई हो ही गया दूसरी चीज मैंने हमने ये भी देखी है ना कि तो इंडिया के बच्चे भी स्पेशलिज्म की है इतने आके भी ट्रेनिंग की है इंडिया के बच्चे सर्जन बहुत माहिर है बहुत ही दे कई मैं देखे आ कि इंग्लैंड या यू एस ए तो इंडिया में जाके करा लेंगे कई इंडिया वाले इतने आके करवाएं कि उतने जाके जे जा, आके देखिए सर्जन तो सारी जगह पर ही अच्छे हैं सीधी सी आता है, है। मैंने दोनों जगह काम कराया दोनों जगह के मैं ये नहीं कह सकता कि वहाँ के सर्जन यहाँ से बेहतर है यहाँ के यहाँ से बेहतर है लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर जो जो यहाँ से लोग जा करा रहे हैं वो इसलिए करा रहे हैं कि मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है इंडिया के अंदर क्योंकि अच्छा। आप आपको कल चाहिए ऑपरेशन आप कल करा सकते हैं ऑपरेशन इंडिया के अंदर यहां पर टाइम लगा कर होता है लेकिन एक एक पेशेंट के ऊपर एक सर्जन कितना ज्यादा टाइम लगाता है वो यहां पे लगाता है अच्छा तो यहां का जो सर्जन है जो असेसमेंट है उसको शायद आप कहें कि इतनी ज़रूरत नहीं है लेकिन मेरे पास अगर कोई प्राइवेट में आता है तो मैं पहला नए मरीज़ के वो 45 मिनट लगाता हूँ कई बार एक घंटा भी लग जाता है इंडिया में कभी आपने सुना है कि एक सर्जन जो है टॉप का सर्जन पाँच मिनट से ज़्यादा बात नहीं करता सो so, हमारी ये बात करने की ये है कि हाँ टूरिज़्म बढ़ रही है पाँच मिनट रह गए अपने थोड़े प्रोग्राम के बीच हम पर है थोड़ा जखना कि मोती का जरा ऑपरेशन है ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਬਿਲ ਜਨ ਤੋਂ ਕਰਾਓ ਜਿਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਸਭ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਰ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਉਂਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਗੀ फॉर्चुनेटली तो भर के लिए जाओगे सब कुछ ठीक हो ही जाता है प्रॉब्लम हो गई तो फिर आपको यहाँ पर आगे सुधाना पड़ेगा मतलब इंडिया के सर्जन बहुत बढ़िया है मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा उस चीज को और ये भी नहीं कह रहा कि वो गलत काम करेंगे लेकिन हाँ अगर तकलीफ होगी तो आपको ये देखना है कि ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਲਿਕੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਹੈ ਆਪਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਪਰ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਆ ਆਈ ਦੇ ਚੈੱਕ ਅਪ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਐਮਓਟੀ ਕਰਾਉਨੇ ਆ ਆਪਦੀ ਵੀ ਐਮਓਟੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕੋਲ ਬੋਡੀ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਪੀ ਆ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਓਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਟਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਆਪਟਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੋਤੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲੇ ਭੇਜੂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਜਸਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਜੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਈ ਆਈ ਤੇ ਕੈਟਰੈਕਟ ਬਾਰੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਪਿਛ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 쇼 ਮੇਂ تھا ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਖੁਦ ਰੱਖੇਂ ड्राइनेस के लिए अपनी आंखों की हाइजीन अपनी आंखों की सफाई अपनी आंखों की केयर खुद रखें रेगुलर चेकअप कराएं ऑपरेशन की जरूरत आपको सफ़ेद मोतिया के लिए अगर आपकी नज़र में आपको ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो हो सकता है आपको ऑपरेशन की जरूरत ना हो ऑपरेशन कराना है तो किसी भी काबिल सर्जन से आप करा सकते हैं बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है बहुत रेयरली कॉम्प्लिकेशन होती हैं लेकिन जब होती हैं उससे नज़र चली जाती है देर इज़ नो वेयर टू हाइड ब्यू सो बहुत ही ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਰਾਜ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਸਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੈਲਥੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਹਨਾ ਸੋ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਰਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहगुरू जी की फ़तेह